नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ जंक्शन से। इस समय हम मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, और जैसा आप सब जानते हैं कि आज तारीख है 12 मार्च, जब सुबह 9:30 बजे के करीब देश के प्रधानमंत्री, हम सब के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ी सौगात दी है। 85,000 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं तमाम सारे, उनका लोकार्पण किया है, बहुत सारी चीज़ों का शिलान्यास किया है। 10 नई वंदे भारत ट्रेन्स उन्होंने फ्लैग ऑफ की, 4 का मार्ग विस्तार किया है। तो आज देहरादून से चलकर लखनऊ जंक्शन आने वाली जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है, सैफरन कलर की है, भगवा रंग की, उसका आज उद्घाटन हुआ सुबह। तो उसका अराइवल होने जा रहा है कुछ ही देर में यहाँ पर लखनऊ जंक्शन पर, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जोड़ने की एक सीधी सुपरफास्ट ट्रेन से बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी, तो आखिरकार आज 12 मार्च सन 2024 को ये मांग पूरी हुई और एक प्रीमियम ट्रेन मिली है जो कि 8 घंटे 15 मिनट में आपको लखनऊ से बरेली, मुरादाबाद और हरिद्वार, ये 3 इसके स्टॉप होंगे एंड रूट टू देहरादून, तो आपको पहुंचा देगी आराम से, कंफर्टेबल इसकी जर्नी होगी। और आने वाले समय में अब जैसा आप सब जानते हैं चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जी की, तो उसको देखते हुए भी जो ये ट्रेन अब मिली है लखनऊ और देहरादून के बीच में वंदे भारत, ये कहीं ना कहीं यात्रियों को बहुत सहूलियत देगी, बहुत सुविधा देगी। तो आइए इसका अराइवल देखते हैं और कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे जो इस ट्रेन में पहली बार सफ़र करके देहरादून से यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे तमाम साथी व्लॉगर्स भी यहाँ पर आएंगे, उस ट्रेन से उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा पहली बार। हालांकि अभी बरेली मुरादाबाद सेक्शन की जो स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है, अब उम्मीद की जा रही है वंदे भारत ट्रेन आ गई है तो दबाव बढ़ेगा मुरादाबाद मंडल पे, और इस सेक्शन की स्पीड भी 130 किलोमीटर जल्द से जल्द करने की वो कोशिश करेंगे ताकि समय और बचे, हमारी यात्रा का जो समय है लखनऊ से देहरादून का, इसमें और बचत हो सके। देहरादून लखनऊ जंक्शन वंदे भारत स्पेशल को 6 नंबर प्लेटफॉर्म दिया गया है, मीडिया के भी तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। ट्रैक पर देखिए चूना डालने का काम चल रहा है तेज़ी के साथ। आलमनगर पहुँच चुकी है ट्रेन और कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उसका अराइवल होगा यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का। मुझे विशेषकर बहुत लंबे समय से इस ट्रेन की प्रतीक्षा थी क्योंकि उत्तराखंड आना जाना लगा रहता है, और अगर आप सिंगल जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो मुझे लगता है देहरादून से अब लखनऊ आने के लिए वंदे भारत ट्रेन सबसे बेहतर विकल्प होगा, सबसे बढ़िया ट्रेन ये रहेगी। तो तैयारियां चल रही, देखिए चूना पड़ रहा है ट्रैक पर, तो सामने से देखिए भगवा रंग में देहरादून से चलकर लखनऊ जंक्शन आने वाली वंदे भारत ट्रेन, आज स्पेशल रन था इसका इनॉग्रल। आप देखिए पहुंच रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, पहली झलक इसकी आज लखनऊ जंक्शन पर नज़र आई। सुबह देहरादून पे ट्रेन को बहुत अच्छे से सजाया गया था गेंदे की फूल मालाओं से, फूल मालाएं अभी तक लगी हुई हैं। आप देखिए आगे ऊपर डिजिटल डिस्प्ले में लखनऊ लिखा हुआ है, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली के रास्ते 8 कोच की ये ट्रेन है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव क्लास कोच है, बाकी चेयर कार है, और ब्लैक और ऑरेंज सैफरन कलर में 02477 आज इसका नंबर है, ये इनॉग्रल नंबर।
तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आगमन होता हुआ वंदे भारत ट्रेन का आज इनॉग्रल रन था इसका, देहरादून से लखनऊ जंक्शन के बीच में। बाएं हाथ पर ऊपर मेट्रो जा रही है। तो ये हम लोगों का कैबवे है जो लखनऊ जंक्शन का उस पर ये ट्रेन पहुंच गई है। दरवाजे खुल गए हैं और देखिए लोग वेलकम एट लखनऊ जंक्शन। स्वागतम, जगह जगह देखिए यात्रियों के स्वागत के लिए जो इनॉग्रल रन पे आए हैं आज। और ब्लॉगर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत हो रहा है। और सिमरन क्या हाल है? सब हमारे देखिए साथ के जो ब्लॉगर्स हैं, हाँ यात्रा हम मिस कर गए, कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए लखनऊ जंक्शन पर जो माहौल है, स्वागत करते हमारे रेलवे के कर्मचारी आरपीएफ के जवान यहाँ पर खड़े हैं। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई है 5:30 बजे।